दोस्तों इंडियन कोस्टल गार्ड में 300-400 पदों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है, बहुत ही शानदार वैकेंसी। ये सिलेक्शन की पद्धति बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो देखें। मैं इस वीडियो में इस पूरी वैकेंसी की जानकारी आपको बताने वाला हूं। और ये जो पेज आप देख रहे हैं, इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या जो ये है ना sarkarirezult.com, यहाँ से आप इसको चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैकेंसी का नाम आपको दिख ही दे रहा है, वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं अपन की। इसकी इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी, तो देखिए दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट आपको दिख रही है, नहीं दिख रही तो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो इस वैकेंसी के फॉर्म हैं, इसके फॉर्म 2 जुलाई 2021 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जुलाई 2021 तक इसके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। मैं फॉर्म भी भरता हूँ, तो आपको किसी को फॉर्म भरवाना हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, या मैं मोबाइल नंबर दे दूँ, आप इसको फ़ोन कर देना, ठीक है। देखिए इसके लिए फ़ीस की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फ़ीस लग रही है, जीएसटी वगैरह अलग है। एसटी एससी के लिए ये फ़ीस एकदम से जीरो लग रही है, ठीक है। फीस क्रेडिट कार्ड वगैरह से ले ली जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों एज लिमिट की अगर अपन इसमें बात करते हैं तो आपको मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 22 वर्ष यहाँ पे चाहिए, यानी कि 18 से 22 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो। उम्र अपन देखते हैं तो उम्र आप कहाँ से काउंट करोगे, 1-2-2031-2004 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो अगर आप नाविक और जीडी यांत्रिक के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नाविक डीबी के लिए फॉर्म भर रहे हो जनरल ड्यूटी के लिए, तो आपकी जो एज है वह 1-4-2000 से लेकर 31-3-2000 के बीच में होनी चाहिए। वो फॉर्म भरेंगे तब पता लग जाएगा, इस बात पे आप टेंशन मत लीजिए। अपन देखते हैं वैकेंसी की डिटेल। कुल यहाँ पे कितने पद अपने पास, 350 पद हैं। देखो कितने पद अपने पास, कुल 350 पद है, ठीक है। इन पदों में अपन पोस्ट का नाम और देखते हैं एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो नाविक और जनरल ड्यूटी के लिए अपने पास कितने पद हैं, 260 पद यहाँ पर नाविक और जनरल ड्यूटी के लिए है ना। और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, इनके लिए यह एलिजिबिलिटी मांग रहा है, क्या है, एक मिनट, एलिजिबिलिटी मांग रहा है कि आपकी 10+2 इंटरमीडिएट होनी चाहिए मैथ्स से। किससे होनी चाहिए दोस्तों, मैथ्स से, यानी कि आपने 12वीं मैथ्स से किए तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और नाविक के लिए देखते हैं, ठीक है, और अपन देखते हैं नाविक और यांत्रिक दो के फॉर्म और भर रहे हैं। अगर आप नाविक या डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए डालना चाहते हो, इसके लिए 50 पद निर्धारित किए गए हैं, कुल पद निर्धारित किए गए हैं 50। और ये 10वीं हाई क्लास एनी रिकॉग्नाइज, यानी कि अगर आपको 10वीं पास है तो आप नाविक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको यांत्रिक के लिए फॉर्म भरना है तो आप इसके 40 पद निर्धारित किए गए और 10वीं पास और इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल ITI वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी पोस्ट पास कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसकी ST, SC, OBC के पद यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए UR, EWS, OBC, ST, SC वगैरह के पद यहाँ पे दिए गए, आप देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी साइड में और आपको बताता हूँ, नीचे तक यांत्रिक के वगैरह दिए गए हैं। अगर आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं और आपको फॉर्म भरने की जानकारी है तो देखिए इसी वेबसाइट के अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, ये वाला देखो दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन वाला, ये देखो अप्लाई ऑनलाइन वाला आपको बटन दिखाई देगा। ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं होगा, 2-7 को ये लिंक एक्टिवेट होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको भर सकते हैं। डाउनलोड और अगर आपको नोटिफिकेशन देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके देख लेना क्या क्या इसकी ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको जो पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबकी जॉब लग जाए। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करें, या मेरे मोबाइल नंबर हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, 94-61-7-9-26-61, ठीक है। इन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी डिटेल आपको फॉर्म भर दूँगा, ठीक है। और मैं नई नई जॉब की वैकेंसी डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।